बिग बॉस के घर से अनुराग डुबाल निकल गए हैं और फाइनली अनुराग डुबाल का इंटरव्यू मिल गया है। तो आखिर क्या कुछ का अनुराग ने अपने इंटरव्यू में आई जानते हैं। आपको बता दें कि मैंने आपसे कल बताया था कि अनुराग का क्रिएटिव टीम के साथ झगड़ा हो गया एविक्शन के बाद सेट पे, लेकिन बिग बॉस का जो रूल्स है भाई, कितना भी झगड़ा करने के बाद वो नियम का तो पालन करना पड़ेगा ही। तो अनुराग ने फाइनली अब मीडिया को इंटरव्यू दिया, आज सुबह ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था हालांकि, और अब जाके वो इंटरव्यू सामने आया है। दरअसल इंटरव्यू में अनुराग ने मुनव्वर की पूरी बात लगा दी, मुनव्वर को लेके उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अनुराग का कहना है कि मुनव्वर का अपना गेम ओन गेम कुछ नहीं है, वो लव एंगल दिखाकर शो में आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि जब वो शो में आए थे तब वो नाजिला का नाम लेकर आगे बढ़ रहे थे, और इससे पहले भी उन्होंने पुराने शो में एक लड़की को फंसाया था। साथ ही अनुराग ये कहते हैं कि अब जब आयशा आई थी शो में, आयशा ये बोलकर आई थी कि वो मुनव्वर को एक्सपोज करेगी, उसके गेम को एक्सपोज करेगी, लेकिन मुनव्वर इतना दोगला किस्म का इंसान है कि वो आयशा को अपने जाल में फंसा लिया, अपने प्यार में फंसा लिया, और उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। एक तरफ मुनव्वर कहते हैं कि उन्हें नाजिला के लिए प्यार है, दूसरी ओर मुनव्वर ये कहते हैं कि उन्हें आयशा को लेके फीलिंग्स है, वो आयशा से शादी करना चाहते हैं। तो मुनव्वर को लेके अनुराग डुबाल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। साथ ही अनुराग ये भी कहते हैं कि भाई बिग बॉस ने उनके साथ बहुत गलत किया, बिग बॉस उन्हें वोटिंग के आधार पे शो से नहीं निकाल पाए। बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं पता था कि बिग बॉस अनुराग को वोटिंग के आधार पे शो से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इस वजह से बिग बॉस ने उनके साथ ये गंदा गेम खेला है। साथ ही अनुराग से पूछा गया कि अल्पेश यादव ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस पर अनुराग कहते हैं कि हाँ, अल्पेश और उनका एक भाईचारा है और ये भाईचारा उन्होंने दिखाया अनुराग को शो में जाकर, उन्होंने जितना भी सपोर्ट किया है एल्विश ने दिखा दिया। अनुराग कहते हैं कि बहुत से मीडिया रिपोर्टर्स ने मुझे एल्विश का इंटरव्यू भी दिखाया कि किस तरह से एल्विश ने उन्हें सपोर्ट किया था, उनके लिए बिग बॉस से लड़ा था। तो अनुराग स्टेज के लिए एल्विश यादव का शुक्रगुजार है। साथ ही अनुराग डुबाल से ये पूछा गया कि बिग बॉस के घर से बाहर जो भी कंटेस्टेंट जब आएंगे तो वो किनसे मिलना चाहेंगे, तो अनुराग के तो मैं किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार से मिलना चाहूँगा। अभिषेक और उनकी भी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी और अनुराग के जाने के बाद अभिषेक हमें रोते भी नजर आए थे। साथ ही मुनव्वर को लेकर अनुराग कहते हैं कि जब मैं शो से बाहर आया था तब अनुराग और आयशा में बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि अनुराग ये कहता है कि अब मैं श्योर हूँ कि मुनव्वर ने आयशा को फिर से अपने जाल में फंसा दिया होगा, और ये तो सही है कि अब आयशा और मुनव्वर के बीच में बातचीत हो रही है। साथ ही अनुराग ये कहते हैं कि वो अभिषेक को काफ़ी मिस करते हैं और अभिषेक का भी गेम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो टॉप टू तक पहुंच सकते हैं, अनुराग को ऐसा लगता है। साथ ही अनुराग बिग बॉस को भी लथाड़ते हुए कहते हैं कि बिग बॉस लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, एक लड़का जो कि तीन चार लड़कियों को घुमाता है बिग बॉस उसे शो में रख रहे हैं और उसे दिखा रहा है, बहुत से टीनेजर भी ये शो देखते रहेंगे तो उन्हें लगता रहेगा कि भाई एक लड़का का तीन चार लड़की का ये घुमाना ये तो कॉमन है, तो ये कोई भी कर सकता है। तो बिग बॉस कहीं ना कहीं समाज को, पब्लिक को गलत मैसेज दे रहे हैं। ऐसे ही अनुराग डुबाल ने अपने इंटरव्यू के बहुत सारे और खुलासे किए हैं, मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगी। बस अनुराग के इन बातों पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग का एडिक्शन आपको कितना फेयर लगा, कितना अनफेयर, कमेंट्स में बताएं, और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।